अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मारिया खान फ्रॉम amanat.com। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और मोर देन दैट हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज amanat.com के प्लेटफॉर्म की तरफ से जो है एक इवेंट रखा गया था, क्योंकि हम लोग नोवा ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं पास्ट में भी, एंड इट वॉज बेसिकली अ ट्रेनिंग सेशन फॉर आर इंटायर सेल्स टीम एंड वी गॉट टू लर्न अ लॉट मोर। बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता चली, एंड आई डिसाइडेड टू इन्वाइट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ नोवा ग्रुप मिस्टर सिकंदर खान साहब, ताकि वो डिटेल्स जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं वो आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर कर सकें। सो लेट्स वेलकम हिम। सबसे पहले तो सो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू मारिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड इट वाज अ वेरी लवली डिनर होस्टेड बाय द अमानत फैमिली विच इज़ द नोवा फैमिली, दे आर माई सेल्स टीम। आई वुड लाइक टू, आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट दैम, एंड जो उनकी क्यूरीज ही अ बिट ऑफ ट्रेनिंग सेशन, इट वेंट वेल एंड इट वॉज अ वेरी गुड सेशन, इंटरेक्टिव सेशन विद माई फैमिली टीम। सर मैं आपसे सबसे पहले जो है नोवा पेशावर के बारे में बात करना चाहूँगी। नोवा पेशावर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली इनका जो है सेकंड बैलेटिंग का इवेंट रखा गया और वहाँ पर बहुत सी डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें शेयर की गई, और जो नोवा ग्रुप के अब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर मैक्सेंस काम कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा काम करेंगे मैक्सेंस के बारे में, ज़रा बेहतर तौर पर जानेंगे सर सिकंदर से। तो सर मुझे थोड़ा सा मैक्सेंस के जो बैकग्राउंड है, उन्होंने पहले कितना काम किया हुआ है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्रेडिबिलिटी रखते हैं, उस सब की चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। मारिया मैक्सन इज वन ऑफ द रेनाउंड एंड द टॉप डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। दे आर इन दिस बिजनेस फॉर डेकेड्स और उन्होंने बहुत अच्छी डिलीवरी की है, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, फिर ये गुलबर्ग, पिंडी वाला और भी बहुत से उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कर रहे हैं। साथ वो हमारे से डेवलपमेंट पार्टनर है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो प्राइवेट सेक्टर में आए हैं और सबसे बड़ा एस्फाल्ट प्लांट पाकिस्तान का वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो कि नोवा सिटी इस्लामाबाद की साइट पे मोबिलाइज होगा। और इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट का जो स्टेटस है, जो उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, विच वुड बी आउटस्टैंडिंग, एंड इंशाल्लाह इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट अमंगस्ट द बेस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ ऑफ पाकिस्तान। सर डेफिनेटली इसमें तो कोई भी शक है ही नहीं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नोवा पेशावर का आपको किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है? आई ऑलरेडी नो द आंसर बट आई वुड लाइक द पीपल टू नो एज वेल, बिकॉज हमें तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है उसका। एक तो नोवा सिटी पेशावर के NOC के बारे में बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, और जो आपको ओवरऑल रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है, और इस तरह की तमाम कुछ डिटेल्स बताइए हमारे। मारिया, नोवा सिटी पेशावर डिवीजन का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है उसका बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, क्योंकि KPK के अंदर इतनी कोई डेवलपमेंट उस साइट पे नहीं थी और ऐसा कोई प्रोजेक्ट मौजूद नहीं था जो इतनी कम इन्वेस्टमेंट से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा। दूसरा, लोकेशन इज़ ट्रेमेंडस, और ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि 20,000 कनाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं और विद NOC है, डेवलपमेंट साइट पे शुरू है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उधर हम पोजेशन का भी फेज़ वन के अंदर अपना अनाउंस कर देंगे। विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वील बी डूइंग इनक्रेडिबल थिंग्स हियर। वी आर कमिंग विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और इंटरनेशनल हमारे साथ फर्म्स को, इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी आ रहे हैं, जो कि हम डिफरेंट MOUs भी इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ हम लोग शेयर करेंगे साइन करेंगे लोगों के साथ, और वो एक लैंडमार्क होगा KPK के लोगों के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी। जी सर, अब मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगी कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का जो भी रिसेंटली एक नया ब्लॉक लॉन्च हुआ था ओवरसीज़ वर्ल्ड के नाम से, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। उसमें फ्रेश बुकिंग अवेलेबल है, इस टाइम पे चल रही है। उसके अलावा जो हमारी पुरानी ओल्ड नोवा सिटी इस्लामाबाद के प्लॉट्स हैं उसके ऊपर रीसेल जारी है, किस हद तक जो है आप देख सकते हैं प्रॉफिट को ऊपर जाते हुए? जैसे कि व्यूअर्स को मैंने पहले अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पोजीशन बहुत जल्द वहाँ पर भी अनाउंस कर दिया जाएगा, जितनी तेज़ी से वहाँ पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। वीडियोज़ विल मेक श्योर के डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक कर दें ताकि वो आप लोग इस टाइम पर जो करंट वहाँ पे काम चल रहा है वो आप देख सकें। तो सर आप थोड़ा सा नोवा के जो ओवरसीज़ वर्ल्ड का ब्लॉक है उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए, डेवलपमेंट आप कहाँ तक देख रहे हैं, कितने अरसे में बेहतर डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्या अच्छी न्यूज़ है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से? मैम, नोवा सिटी के अंदर जो ओवरसीज़ ब्लॉक है नोवा वर्ल्ड के नाम से, वो हमने लॉन्च किया और आई एम गेटिंग अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम ओवरसीज, और रोड शोज हमारे चल रहे हैं, डिफरेंट मेरे सेल्स पार्टनर हैं, amanat.com भी फंक्शन जैसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं और बहुत ओवरवेलमिंग सा रिस्पॉन्स है। उसके अंदर जो हमने पार्क दिया वो 400 कनाल का पार्क है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, बर्ड आइवरी वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं, और दूसरा जो
पोजेशन है घर की कंस्ट्रक्शन, इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ 200 हाउसेस विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन देयर, जिसमें से अमानत की टीम ने भी कुछ विलाज हमसे कंस्ट्रक्शन के लिए शुरू किए हैं। तो इंशाल्लाह ये जो 4000 कनाल का हमने टारगेट दिया, अपने जो डेवलपमेंट पार्टनर हैं उन्होंने ये हमसे कमिट किया, विद इन अ ईयर विल बी डेवलपिंग दैट एंड इंशाल्लाह वो जल्दी हम बैलेट वाली साइड पे भी, जो जनरल ब्लॉक है उसके भी बैलेट वाली साइड पे जाएंगे जी। सो व्यूअर्स, ये थी एक ब्रीफ सी कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था छोटा सा, जो मैंने सर सिकंदर के साथ किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के किसी किस्म के भी सवालात हैं नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से, पिशावर के हवाले से, नोवा वन लाहौर के हवाले से, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो तमाम सवालात जो हैं कॉमेंट्स में ज़रूर हम लोगों को बताया करें, ताकि नेक्स्ट हमारे सेशन होते रहते हैं और हम लोग अक्सर जो है सर के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं, उनके साथ ये तमाम सवालात फिर आप लोगों के हम पूछते हैं उनसे। तो मेक श्योर टू डू दैट एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माना.com's channel, and until next time, हम सबको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।